अहम खबरें दिखाएंगे। सागर में लॉ कॉलेज की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSUI के द्वारा आवाज उठाते हुए छात्र हितों को देखते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां डॉक्टर सर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद श्री सागर सहित आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों छात्र छात्राएं जो विधि संकाय के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का सपना संजोए हैं, उन्हें डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के केंद्रीय दर्जा के कारण सीमित सीट होने के कारण प्रवेश प्रक्रिया जटिल होने प्रवेश से वंचित होना पड़ रहा है, जिसके कारण कई छात्रों को या तो मजबूरन विधि संकाय को छोड़ अन्य विषय अध्ययन के लिए चुनने पड़ रहा है या बाहर और निजी कॉलेजों की तरफ रुख कर अध्ययन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में गरीब और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए सागर में किसी भी शासकीय कॉलेजों में विधि संकाय के अध्ययन की व्यवस्था नहीं होने से खासी परेशानी हो रही है और उनका कानून की पढ़ाई करने का सपना सपना ही बना हुआ है, जिसको लेकर अब NSUI ने इस मामले में लॉ कॉलेज की स्थापना की पुरजोर आवाज उठाते हुए आज NSUI के प्रदेश सचिव चक्रेश रोहित के नेतृत्व में युवक कांग्रेस और वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदर्शन किया और सरकार से अविलंब छात्र हितों को देखते हुए लॉ कॉलेज खोले जाने की आवाज उठाई। इस दौरान NSUI ने लंबे समय से इसकी दरकार के बाद भी सरकार सहित जनप्रतिनिधियों के इस ओर कोई प्रयास नहीं किए जाने पर खासा आक्रोश भी देखा गया, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी के साथ मामले में विरोध दर्ज कराने कलेक्ट्रेट में जमीन पर बैठ धरना दिया और सरकार को सख्त लहजे में चेताते हुए लॉ कॉलेज की मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए थे? आज सागर जिला NSUI द्वारा लॉ कॉलेज की मांग को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। बीते लंबे समय से NSUI लगातार लॉ कॉलेज की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन की आंखों में गड़ी हुई है। प्रशासन देखना नहीं चाहती है कि छात्र पढ़े लिखे, और सागर में लॉ कॉलेज सिर्फ एक ही है, उसमें भी 40 सीट हैं। पूरे भारत में के प्रदेशों से छात्रों को प्रवेश परीक्षा के दौरान प्रवेश दिया जाता है और सागर जिले के छात्र वंचित रह जाते हैं। इसी को लेकर आज NSUI ज्ञापन सौंप रही है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो NSUI उग्र आंदोलन करेगी, सड़कों पर आंदोलन करेगी। इसकी जवाबदेही मध्य प्रदेश शासन की और जिला प्रशासन की होगी। संबंध में आप लोग ज्ञापन देने आए हुए थे? देखिए, बहुत लंबे वक्त से सागर जिले में लॉ कॉलेज की मांग को उठाया जा रहा है। आज ही की तारीख में 3 वर्ष पहले भी लॉ कॉलेज की मांग को लेकर हमारे तमाम NSUI साथी यहाँ पर आए थे। सागर बुंदेलखंड वो नगरी जो कानूनविद डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से जाना जाता है, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस नगरी में लॉ कॉलेज नहीं है। तो हम तमाम लोगों की ये मांग है, राजनीतिक द्वेष के कारण एक लॉ कॉलेज सागर में जो था बीना में, उस लॉ कॉलेज को बंद किया गया, और राजनीतिक द्वेष के कारण भूपेंद्र सिंह जी का प्रयास होता है कि वो प्रयास करते हैं खुरई में लॉ कॉलेज खोलने का। गोपाल भार्गव जी कहते हैं कि रैली में खोलेंगे, लेकिन लगभग 3 साल से जिले में कहीं भी लॉ कॉलेज खोला नहीं गया। और सागर जिले में जो जिले का मुख्यालय है, जहां वास्तविकता में ये कॉलेज खुलना था, जिसमें पूरे जिले का केंद्र है, सारा विद्यार्थी यहां आके पढ़ता है, ऐसी जगह पर लॉ कॉलेज को रोककर अपने अपने क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में भी वो सफल नहीं हो रहे हैं। इस कारण से बड़े लंबे वक्त से पूरे सागर जिले में लॉ कॉलेज की मांग लगातार हमारी जारी है, लॉ विद्यार्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। जैसा कि हमारे छात्र नेता भाई चक्रेश रोहित ने बताया, इसमें एक चीज और कहना चाहेंगे कि सागर जिले में एक भी लॉ कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। पहले जो बीना में हुआ करता था शिवराज सिंह शासन काल में, उसको भी बंद कर दिया गया। अब जो दमोह में भी था, उस मोतीलाल नेहरू जो कॉलेज था, उसको भी बंद कर दिया गया। सिर्फ एक छतरपुर में, बुंदेलखंड में एकमात्र लॉ कॉलेज है, वो है छतरपुर में। हम चाहते हैं कि सागर मुख्यालय है, यहाँ पर लॉ कॉलेज खोला जाए,
यहाँ के भी छात्रों को एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा अधिवक्ता सागर से भी निकले। आज हमारे सेंट्रल विश्वविद्यालय में मात्र 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों में तकरीबन हमारे यहाँ के मुश्किल से मुश्किल 10% लोगों को ही वहाँ पर प्रवेश मिल पाता। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक राज्य शासन द्वारा लॉ कॉलेज खोला जाए, जो कि कई वर्षों से यहाँ पर लंबित मांग है और सागर की आवाज़ है। यहाँ पर लॉ कॉलेज बहुत अति आवश्यक है। हम खबरें दिखाएंगे।